नमस्कार दोस्तों, पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ मुद्दों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपके जो भी अभी चर्चा में मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम लीजिए। ठीक है, आज हम करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले वीक जो बीता है उससे संबंधित समाचार हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। बाकी अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप पाठशाला क्लासेस जयपुर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हम इस पहले मुद्दे से। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वर्तमान में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कोविड-19 है। ठीक है, एक वायरस था जिसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोरोना वायरस। तो मोस्टली अभी जो करंट अफेयर्स से संबंधित जो सवाल बनने वाले हैं वो आपके इसी से संबंधित हो सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस से संबंधित जो आपकी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की गई है या प्रक्षेपण की गई है। ठीक है, आपके साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इस वाले भाग से संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, पहला जो मुद्दा है इस वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो इस वाले पार्ट में आपका पहला पॉइंट आपको याद रखना। देखो, फिनविन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री, ठीक है, गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1.70 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। तो पहला जो पार्ट आता है, कितने करोड़ का पैकेज दिया हुआ है, तो 1.70 करोड़। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं को, ठीक है, लागू करने के लिए प्रधानमंत्री के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू हो चुकी है। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने PMY की जो नॉलेज से संबंधित है, वैसी अगर बात करें आपकी PMGKY एक परियोजना है जिसे हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपके इस वाले पार्ट में देखो, कोविड-19 की आपदा ने व्यक्तिगत से लेकर व्यावसायिक स्तर तक, ठीक है, अमीर से गरीब तक के जीवन को प्रभावित किया है, सभी वायरस के काले बादल के नीचे। ठीक है, आज अगर आप भी देखो, आप लोग भी परेशान, हम भी परेशान, जितने भी व्यवसायिक संगठन है वो भी परेशान है। तो 26 मार्च 2020 को हमारे केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट, ठीक है, मामले के मंत्री, ठीक है, हमें याद रखना है कौन से मंत्री, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री, ठीक है, नई दिल्ली में पत्रकारों के सम्मेलन में, ठीक है, श्रीमती निर्मला सीता, ठीक है, रमन रमन जो है आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70, ठीक है, लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को सार्वजनिक किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इससे आपका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, ठीक है, इसके पीछे मकसद आपका दो, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए गरीबी से त्रस्त लोगों को सहायता करना और उनका समर्थन करना है। तो याद रखना, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए गरीबी से त्रस्त लोगों को सहायता करना और उनका समर्थन करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। अब यहाँ पर कई बार आपके प्रश्न वित्त मंत्रालय से संबंधित भी पूछे जाते हैं, तो हमें याद रखना, अभी राज्य मंत्री की बात की जाए तो अनुराग सिंह ठाकुर है, जिनके अंतर्गत आपके 5 विभाग आपके आते हैं, जिसमें व्यय विभाग हो सकता है, आर्थिक मामलों का विभाग हो सकता है, ठीक है, वित्तीय सेवा से संबंधित विभाग हो सकता है, राजस्व विभाग और निवेश विभाग और सार्वजनिक संबंधित, ठीक है, सार्वजनिक प्रबंधन विभाग संबंधी से संबंधित जो प्रबंधन विभाग है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट से संबंधित जो सवाल बनते हैं, पहला सवाल आपको याद रखना PMG, ठीक है, KY, इसकी पूरा नाम याद रखना है, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि विधि मंत्रालय के बारे में कि राज्य मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर है, ठीक है। इसके अलावा आपको इस वाले पार्ट में याद रखना कि यहाँ पर,
ये जो योजना है उस योजना को लागू करने के लिए श्रीमती निर्मला सीतारमण का जो दौरा था उसके अंतर्गत आपने इसे लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इस वाले पार्ट में जो अभी करंट अफेयर्स का है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और वो एक शिखर आपका जो भी एक सम्मेलन था उसके अंतर्गत था जिसे G20 शिखर सम्मेलन कहा जाता है। तो यहाँ पे COVID-19 के खिलाफ कार्य योजना विकसित करने के लिए पीएम मोदी ने आभासी मतलब वर्चुअल जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि इस सम्मेलन में ठीक है कोरोना वायरस से जो संक्रमण है उसके बचाव के लिए USD ठीक है 5 ट्रिलियन मतलब $5 ट्रिलियन से अधिक इंजेक्शन लगाए जाएंगे, ये एक मुद्दा था। ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कब यहाँ पे 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री ठीक है नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे साधारण आभासी समूह 2020 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, जिसे सऊदी अरब देखो जिसे यहाँ पे भाग लिया जिसे सऊदी अरब के मुकुट वाला राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान उल सऊद ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से मेजबान किया। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि G20 आभासी सम्मेलन को किसके द्वारा मेजबान किया गया है। तो यहाँ पे इस आपकी बैठक का मुख्य निर्णय क्या था, इस बैठक का मुख्य निर्णय था कि COVID-19 के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करना। पे आज अगर हम देखें विश्व स्तर पर एक अर्थव्यवस्था में एक मंदी आई है और इस मंदी को अगर प्रबंधन करने और इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए ठीक है विभिन्न मुद्दों को डिस्कस करना था। ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर देखेंगे तो आपने वैश्विक अर्थव्यवस्था में USD ठीक है 5 ट्रिलियन से अधिक का इंजेक्शन लगाने के लिए नेताओं को स्वैच्छिक आधार पर WHO के नेतृत्व वाले कोविड एकजुटता प्रतिक्रिया निधि में योगदान देने पर भी सहमति व्यक्त की है। मतलब G20 के जो भी सदस्य है उन्होंने ठीक है इसमें जो एक यहाँ पे COVID-19 एकजुटता प्रतिक्रिया निधि ठीक है इसके अंतर्गत योगदान देने जो कि यहाँ पे किसके नेतृत्व में आता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि ठीक है ये विश्व स्तर पर फैलने वाली जो भी महामारी होती है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाती है और इसके संक्रमण और प्रभाव को रोकने के विभिन्न प्रकार की नीतियों में सहयोग करती है। ठीक है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में अगर कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, वर्तमान राष्ट्रपति पद जो था सऊदी अरब, ठीक है यहाँ पे सऊदी अरब के अंतर्गत था। 2020 G20 राष्ट्रपति पद थीम की थी कि सभी के लिए 21वीं सदी के साकार अवसर। ठीक है, तो आपको याद रखना कि यहाँ पर इस G20 का मेन थीम क्या था, इसके जो अध्यक्ष थे सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ठीक है अल सऊद थे, जबकि 2019 G20 शिखर के सम्मेलन के जो था ओसाका जापान में हुआ था, ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है इस वाले पार्ट में, अभी आपने देखा होगा एक दवाई है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा चली थी, आप लोगों कुछ लोगों कह रहे थे कि यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी भी दी है कि हमें इस दवाई की आवश्यकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा एक दवाई है जिसे नाम दिया गया है ठीक है हाइड्रोक्सी क्लोरीन क्लीन। ठीक है, यहाँ पे आपके हाइड्रोक्सी क्लोरो क्यूनिन नाम से एक दवाई है और इस दवाई का प्रयोग बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना वायरस को प्रभाव को कम करने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 27 मार्च 2020 को बढ़ते कोरोना वायरस ठीक है महामारी के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ठीक है दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम ठीक है दवाओं और अगर बात करें जो भी कॉस्मेटिक्स होते हैं उनके संबंधित एक अधिनियम में 1940 1940 का 23वां अधिनियम की धारा 26 बी द्वारा
शक्तियों के व्यायाम में हाइड्रो HCQS दवा को एक शेड्यूल H10 के रूप में घोषित किया गया। अब सर यहां पर इसमें शेड्यूल H1 दवा का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब यह है पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के बिना बेचा नहीं जा सकता। नॉर्मली अगर आप शॉप पर लेने जाएंगे इस दवा को तो आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। इसके लिए आपके पास में जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर होगा, ठीक है, उसकी पर्ची आपके पास में होनी चाहिए। तो हमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी इसके केंद्रीय मंत्री जो हर्षवर्धन जी हैं वो है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए जो अभी चर्चा में है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वैश्विक महामारी के बाद में, ठीक है, आपके विश्व स्तर से लेकर प्रत्येक स्तर पर आपकी गिरावट, अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। तो इसके अलावा अगर बात करें आपके जितने भी बैंकिंग सेक्टर है उनमें भी बहुत सारे प्रभाव आए हैं और वही प्रभाव हमारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज है, नीतियां हैं या फिर इंटरेस्ट रेट है उनपे को भी प्रभावित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सातवें द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-2020 की विशेषताएं क्या थी। तो यहां पर पहली चीज समझिए कौन कौन सी विशेषता थी कि 27 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है, सेवंथ आपकी, ठीक है, द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 मौद्रिक नीति समिति का आरक्षण जारी किया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत एमपीसी ने तत्काल प्रभाव से दरों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। आप लोगों ने बहुत तरह की रेट के नाम से सुना होगा, रेपो रेट का नाम सुना होगा, SLR रेट का नाम सुना होगा, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट का नाम सुना होगा। ठीक है, यहाँ पर इन सभी से संबंधित जो SLR आपकी रेट आती है, CRR रेट आती है, बैंक दर बैंक रेट आती है, ठीक है, उनमें भारी बदलाव हुआ है। तो हमें यहां पर याद रखना है ये बैंकिंग के सेक्टर में एग्जाम में बैंकिंग वाले पार्ट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए नीति दर आपकी नई दर और पिछली दर और आधार अंक में कितना परिवर्तन हुआ है। आधार अंक का मतलब यहाँ पे BPS से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो नीति रेपो रेट दर की बात करें तो नई रेट 4.40% है, पिछली दर आपकी 5.15% थी, मतलब रेट कम हुई है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट या फिर उल्टा रेपो रेट आज जिसे कहते हैं, जिसे 4% पहले 4.90 थी। ये होते क्या है इन्हें अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा दर थी 4.65, ठीक है, पहले 5.40 थी। बैंक दर बैंक रेट जो है आपकी 4.65% है, पहले 5.40% थी। CRR जो रेट है अब 3% है, पहले 4% थी। और जो SLR रेट है वो 18.25% है, अभी पहले भी है। तो प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सी रेंट रेट जो है वो कांस्टेंट है, मतलब पहले भी सेम थी और अभी भी सेम। तो यहाँ पे नई और पुरानी रेट में अगर आप देखेंगे तो 0.5% से लेकर 1% तक चेंजेस यहाँ हुआ है और रेट मोस्टली क्या हुई है, कम हुई है। तो जब RBI की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो RBI का मुख्यालय आपके मुंबई महाराष्ट्र में है। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 में है। RBI की अगर राज्यपाल की बात करें तो शक्तिकांत, ठीक है, आपके दास हैं। ठीक है, उपराज्यपाल की बात करें तो टोटल 4 उपराज्यपाल है जिसमें विभू प्रसाद कानूनगो, ठीक है, NS विश्वनाथन, ठीक है, जो 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ठीक है, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा है। तो यहां पर याद रखिए इस वाले आरबीआई के अंतर्गत एक आपका राज्यपाल है और उनके 5 उपराज्यपाल है जिनके नाम हमें याद रखने हैं। अब यहां पर कुछ शब्द काम आए जैसे आपकी नीति दर, नीति रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा, ये सब क्या होती है ये सब हम डिस्कस करते हैं। नहीं, सबसे पहले ये समझिए कि रेपो दर का मीन क्या होता है। देखिए जितनी भी टर्म्स है वो आपके बैंकिंग आपके फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे संबंधित है जो विभिन्न प्रकार के लोन हमें प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले रेपो दर के बारे में समझिए।
यह वह दर है जिस पर आरबी वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। मतलब आरबीआई जब किसी भी कॉमर्शियल बैंक को पैसा उधार दे, यहाँ पर किसी आपके व्यक्ति की बात नहीं हो रही, किसी उपभोक्ता की बात नहीं हो रही है। अगर आरबीआई किसी भी व्यावसायिक बैंक को पैसा उधार दे, तो जिस दर पर वो पैसा उधार देगी उस रेट को क्या कहा जाता है? रेपो दर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रिवर्स रेपो दर क्या होता है। मान लीजिए आरबीआई को पैसे की आवश्यकता है, तो अगर यहाँ पर वाणिज्य बैंक जो भी व्यवसायी बैंक है, ठीक है, यह वह दर है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से धन उधार लेती है। तो कॉमर्शियल बैंक पैसा दे रही है, किसको दे रही है? आरबीआई को। तो याद है कि रेपो दर का मीन क्या होता है। रेपो दर का मीन होता है कि जिस दर पर किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, अब जिस दर पर किसी कॉमर्शियल बैंक को लोन मिलता है या पैसा उधार मिलता है, और आरबीआई को अगर पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, तो किसी कॉमर्शियल बैंक से जिस रेट पर वो पैसा लेती है वो रिवर्स रेपो दर है। और अगर अभी आपने देखा होगा, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि अभी रिवर्स रेपो दर जो है वो कितने परसेंट है? 4% है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला जो पार्ट आता है, नकद यहाँ पे आरक्षित अनुपात। ठीक है, नकद यहाँ पे आरक्षित कैश, यहाँ पे CRR। ठीक है, तो यहाँ पे प्योर मांग जो होती है, शुद्ध मांग का हिस्सा और समय देनदारियों, ठीक है, जो बैंकों को आरबीआई के पास नकद यहाँ पे संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपके जो भी कैश से संबंधित जो संतुलन या रेशियो जो होता है उसे आपका CRR कहते हैं। और अभी आप लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था कि CRR, पहले आपकी रेट 4% थी, अभी कितनी रेट है? 3% रेट है। तो वर्तमान रेट हमें याद रखनी है। ठीक है, अगला जो पार्ट आता है जिसे SLR कहते हैं, ठीक है, वैधानिक तरलता आपका अनुपात क्या होता है? तो यहाँ पे शुद्ध मांग और समय देनदारियों का हिस्सा जिसे बैंकों को सुरक्षित और तरल संपत्तियों में बनाए बनाए रखना चाहिए, जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियों या नकदी या सोना। तो जो लिक्विडिटी से संबंधित आपकी जो रेट होती है उसे SLR कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो पार्ट आता है जिसे बैंक दर कहा जाता है, तो यह वह दर है जिसे यहाँ पे जिस पर आरबी लंबी अवधि के लिए, ठीक है, विनिमय या अन्य वाणिज्य कॉमर्शियल पत्रों के बिलों को खरीदने या फिर से खरीदने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो ये बैंक दर होती है। और वर्तमान की जब बात की जाए तो यहाँ पर बैंक दर 4.65% है, पहले जो थी 5.40% थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला आपका आता है MSF, जिसे सीमांत स्थायी सुविधा दर कहते हैं। ठीक है, वह दर जिस पर अनुसूचित बैंक रातों रात आरबीआई से धनराशि उधार ले सकते हैं। ठीक है, अनुमोदित सरकार प्रतिभूतियों के खिलाफ MSF के रूप में जाना जाता है। मतलब आपको अगर यहाँ पे किसी कॉमर्शियल बैंक को एकदम से किसी लोन की या धनराशि की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे हम MSF के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे रेपो दर के बारे में, रिवर्स रेपो दर के नाम में, SLR क्या होती है, CRR रेट, तो करंट रेट हमें याद रखनी है, आप प्रीवियस रेट भी आपसे पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए इस वाले पार्ट में। नहीं, अभी साइंस और टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट एक नया पॉइंट है वो देखिए। अमेरिका ने संचार के लिए, किसके लिए? संचार के लिए, ठीक है, उन्नत उपग्रह प्रक्षेपण किया है जिसका नाम AEHF आपका 6 है। तो पूछा जा सकता है आपके साइंस एंड टेक वाले पार्ट में कौन सा संचार आपका उपग्रह आपका लॉन्च किया गया है। तो 26 26 मार्च 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल ने, ठीक है, एटलस V551 रॉकेट पर, ठीक है, यहाँ पे कैनावरल फ्लोरिडा नाम की जगह है, से उन्नत अति उच्च आवृत्ति, इसका पूरा नाम है ये उन्नत यहाँ पे अति उच्च आवृत्ति AEHF
सिक्स नामक कक्षा में एक अति सुरक्षित सैन्य संचार उपग्रह, किस तरह का उपग्रह है ये? सैन्य संचार उपग्रह ये भेजकर अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन किया है। तो प्रश्न बन सकता है कि अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा पहला राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन किस उपग्रह के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है? अब इसी में एक शब्द काम में लिया जाता है जिसे कहता है पेलोड फेयरिंग। क्या होता है तो समझिए, पेलोड फेयरिंग एक वायुमंडल के माध्यम से प्रक्षेपण के दौरान गतिशील दबाव और वायु युक्तीय ताप के प्रभाव के खिलाफ अंतरिक्ष यान की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। तो यहाँ पे याद रखना हमें कि एक वायुमंडल के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पर गतिशील दबाव, ठीक है, हाई प्रेशर और वायु, ठीक है, यहाँ पर वायु युक्तीय ताप, इन दोनों के बीच में अगर बात करें, जो भी उपकरण, एक उपकरण है जो इनसे सुरक्षित रखने का कार्य करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला जो पॉइंट है आपका, भारत सेना ने एक ऑपरेशन नमस्ते का प्रक्षेपण किया है, ठीक है। यहाँ पे भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते, ये न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड 19 से संबंधित सैन्य आपकी जागरूकता फैलाने से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखिए 27 मार्च 2020 को, 27th मार्च 2020 को भारतीय सेना प्रमुख जनरल, तो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल कौन है? मनोज मुकुंद टेगर नारवाले ने, ठीक है, कोरोना वायरस से 1.3 मिलियन मजबूत बलों की रक्षा के लिए ऑपरेशन नमस्ते की पहल शुरू की और महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार को हर संभव सहायता प्रदान की है। आज अगर हम देखें तो इस महामारी की लड़ाई में सभी लोग अलग अलग स्तर पर कार्य कर रहे हैं, तो समान रूप से भारतीय सेना ने भी इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए और सरकार को हर संभव सेवा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है। ऑपरेशन नमस्ते के तहत सेना ने कोरोना वायरस से बल की रक्षा के लिए अपने सभी ठिकानों को एक निर्देश जारी किया है, ठीक है, तथा सेना मुख्यालय ने पिछले कुछ हफ्तों में स्थिति से निपटने के लिए सुझाव जारी किए। तो यहाँ पर आपने देखा होगा अलग अलग माध्यम के द्वारा हम लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ठीक है, बीपी कानूनगो ने एक वर्ष की अवधि के लिए आरबी के उप राज्यपाल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आरबीआई जो होता है उसमें एक राज्यपाल और चार उपराज्यपाल है, और उसी समय हमने डिस्कस किया था कि उन चार उपराज्यपाल में से एक उपराज्यपाल आपके हाल ही में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लेकिन अभी कोरोना वायरस के चलते आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी सेवा निवृत्त होने वाले लोग हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो इसी क्रम में 27 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में भारतीय रिजर्व बैंक के उप राज्यपाल, याद रखना आपको विभू प्रसाद कानून को के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, ठीक है, 3 अप्रैल 2021 तक। कार्यकाल 2 अप्रैल 2020 को समाप्त होने वाला था, लेकिन यहाँ उनका कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। कानून को 3 अप्रैल 2017 को आरबीआई के उप राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, नहीं, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि राज्य स्तर पर भी सरकार कोरोना वायरस की लड़ाई में अलग अलग तरह से कार्य कर रही है, ठीक है। इसी क्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, तो यूपी के आपके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं, ने कोरोना वायरस को हराने के लिए टीम 11 की स्थापना की है। तो पूछा जा सकता है टीम 11 की स्थापना किसने की है? तो यहाँ पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है, 27 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश,
है कि मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के फैलने से लड़ने के लिए 2 दर्जन से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंटर डिपार्टमेंटल समिति से मिलकर टीम 11 की स्थापना की है। ठीक है, प्रत्येक समिति का नेतृत्व राज्य के एक वरिष्ठ नौकर सा करेंगे, जबकि सीएम, ठीक है, सीएम जो आपके हैं कौन, यहाँ पे सीएम कौन है आपके, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, ये इसके प्रमुख होंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, ठीक है, एक राज्य है और इस राज्य की राजधानी लखनऊ है, और अभी इनके इस राज्य के राज्यपाल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि आपका नरेंद्र, यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए पीएम केयर्स निधि तैयार किया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो उस समय हमें मूल्य या फंड की आवश्यकता होती है, तो हमारे इसमें जो भी डोनेट करने वाले बंधु होते हैं उनसे पैसा डोनेशन के रूप में लेने के लिए, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब ने एक पीएम केयर्स निधि को तैयार किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष, ठीक है, अर्थात प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि, इस पीएम केयर्स का पूरा नाम है, में राहत प्रदान की है, जहां लोग योगदान कर सकते हैं और कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार की लड़ाई में मदद कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर क्षेत्र में मूल्य की आवश्यकता या फंड की आवश्यकता है, और इसमें योगदान कर कर आप लोग भी यहाँ पे इस लड़ाई में सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस नव निर्मित सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट में, ठीक, कौन कौन लोग हैं? पीएम नरेंद्र मोदी साहब हैं जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है, यहाँ पर रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं वो भी होंगे, ठीक, गृह मंत्री अमित शाह जी होंगे, और वित्त मंत्री आपसे निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक, इनके सदस्य होंगे। तो यहाँ पर अध्यक्ष से कौन है? मोदी साहब हमारे अध्यक्ष हैं, बाकी आपके जो भी केंद्रीय मंत्री जो हैं आपके, वो सभी इसके सदस्य हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीएम केयर्स का बैंकिंग भागीदार बनाया गया है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करते हैं तो मोस्टली हम यहाँ एसबीआई का ही यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है आपका, एनआईआईएफ के माध्यम से एडीबी ने भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 1300 मिलियन कमाए हैं। ठीक है, एनआईआईएफ का मीन क्या होता है? ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, और एडीबी का मीन है एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, 30 मार्च 2020 को एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एक क्षेत्रीय विकास बैंक भारत के निधियों का कोष एफओएफ, जिसे के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, जिसे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम से जाना जाता है, में 100 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा। ठीक, इसके साथ एफएफ को प्रतिबद्धताओं में कुल 700 मिलियन मिले हैं। तो इसमें से जो मेन जो क्वेश्चन बन सकता है वो एशियाई विकास बैंक के बारे में बन सकता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, ठीक है, मांडलुयांग फिलीपींस में है, राष्ट्रपति इसके मसुग अस्कावा है। ये राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की बात करें तो इसका मुख्यालय हमारे मुंबई महाराष्ट्र में है, और प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हमारे हैं वो कौन है? सुजाय बोस है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये अगला जो पॉइंट है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन, ठीक है, कोरोना कवच प्रक्षेपण किया है। ठीक है, तो भारत सरकार ने कोरोना कवच नाम की एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन ऐप को डेवलप किया है। ठीक है, एप्लीकेशन को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना, ठीक है, प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन के बारे में देखिए, आपके कोविड-19 के बारे में जानकारी प्रदान करने और जानकारी कैप्चर करने के लिए डिजाइन, तो जानकारी को प्रदान करना या कैप्चर करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। ठीक
ठीक है, एप्लीकेशन देश में अब तक पहचाने गए सभी सकारात्मक मामलों की जानकारी का उपयोग करता है। तो ये तो याद ना, ट्रैकिंग के लिए कौन सी एप्लीकेशन बनी है, कोरोना कवच नाम से एप्लीकेशन बनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ठीक है, अगला जो पॉइंट है आईओसी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात हो रही है, आईओसी। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि इस साल इस वर्ल्ड से हमारे ओलंपिक का आयोजन होने वाला था, जो एक खेलों के रूप में सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है। ठीक है, इस बार जो ओलंपिक खेल है हमारे टोक्यो में होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश कौन सा, जो आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते सभी प्रोग्राम कुछ समय के लिए आगे आगे को आगे समय के लिए स्थगित कर दिए गए। तो 30 मार्च 2020 को आईओसी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आयोजकों ने टोक्यो ओलंपिक के पुनः निर्धारित तारीखों के 32वें संस्करण की घोषणा की है। तो याद रखिए कौन सा संस्करण होने वाला है, 32वां संस्करण, जो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021, ठीक है, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 में होगा। इसके साथ में जो पैरा ओलंपिक्स की तारीखों की भी पुष्टि कर दी गई है। तो याद है कि ये जो इसका आयोजन अगले साल कौन से, टोक्यो जापान में होने वाला है। पैरा ओलंपिक्स की पुष्टि की गई है, जो कि 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक होंगे। तो मतलब नेक्स्ट ईयर आपके ये गेम्स होंगे। ठीक है, हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं आईओसी के बारे में। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी जो है, इसका मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड में है, और राष्ट्रपति इसके थॉमस बाक जो प्रेसिडेंट हैं वो इसके हैं, इसके प्रेसिडेंट जो हैं थॉमस बाक नाम से व्यक्ति हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नहीं अगला जो पॉइंट, नासा ने विशाल सौर कर्ण तूफान का अध्ययन करने के लिए नए मिशन सूर्योदय का प्रचय, तो किसके द्वारा किया गया है, नासा मिशन सूर्योदय। तो मिशन सूर्योदय के बारे में समझिए, 31 मार्च 2020 को राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन, मतलब किसका पूरा नाम है, ये नासा का पूरा नाम है, ने अपने नए मिशन का प्रक्षेपण करने के लिए, ठीक है, सूर्य रेडियो यहाँ पे इंटरफेरोमीटर अंतरिक्ष का प्रयोग किया है, सनराइज का प्रयोग किया है। तो यह अध्ययन करने के लिए कि एक बहुत बड़ी रेडियो दूरबीन है कि सूर्य कैसे उत्पन्न होता है, विशाल अंतरिक्ष मौसम तूफानों को ग्रहों जगह में कैसे छोड़ता है। तो ये आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य उत्पन्न होता है तो कैसे होता है। इसके अलावा अगर ये जो सौर कर्ण जो तूफानों से संबंधित एनालिसिस होता है वो भी करना है। ये मिशन का नेतृत्व जो करने वाले व्यक्ति, ठीक है, मिशन का नेतृत्व एन आर्बर में मिशन, ठीक है, मिशिगन विश्वविद्यालय में जस्टिन कैस्पर ने किया है, और नासा के जेट, ठीक है, जेट प्रणोदन, ठीक है, प्रयोगशाला, ठीक है, जेपी द्वारा भी इसका प्रबंधन किया जाता है। नासा ने 1 जुलाई 2023 से पहले यहाँ पे सूरज उगना को डिजाइन किया है, सनराइज जिसे कहते हैं, ठीक है, निर्माण और प्रक्षेपण करने के लिए 62.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया है। तो यहां से हमें मेन जो बिंदु याद रखना कि कौन से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, यहाँ पे कौन किसकी बात कर रहा है, सूर्योदय की, मिशन सूर्योदय की बात कर रहा है, ये किसका प्रोजेक्ट है, नासा का। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है, कोरोना वायरस से देखभाल, और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा आए दिन न्यूज़पेपर में मेडिक्लेम की बात होती रहती है। तो यहाँ पर देखिए, कोरोना वायरस 19 उपचार के लिए फोन पे द्वारा भारत का पहला कोरोना वायरस अस्पताल में बीमा भर्ती बीमा हुआ है। कि मतलब यहाँ पे आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो आपने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपको बीमा के रूप में सपोर्ट मिलेगा या पैसा मिलेगा। तो सेम वैसे ही डिजिटल भुगतान कंपनी की बात हो रही है फोन पे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जैसे आजकल डिजिटल भुगतान का माध्यम बढ़ चुका है, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के मोबाइल वॉलेट, जो मोबाइल पेटीएम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, ठीक है, इन सभी के माध्यम आप जो आपके डिजिटल लेन देन के काम आते हैं उन्हीं के अंतर्गत एक आपका फोन पे आता है।
यहाँ पर डिजिटल भुगतान कंपनी फोन पे ने कोविड-19 के उपचार के लिए संक्रमित और अस्पताल में भर्ती लोगों के लिए, ठीक है, बजाज अलियंस, ठीक है, बजाज अलियंस सामान्य बीमा के सहयोग से भारत की पहली कोविड-19 अस्पताल में भर्ती होने वाली बीमा पॉलिसी लागू की गई है। मतलब अगर इस महामारी से कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की गई है, ठीक है। यह नीति 55 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 156 रुपए के एक बार के भुगतान पर 50 हजार के बीमा कर को प्रदान करती है। फोन पे के बारे में आप याद के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ समीर निगम है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। बजाज अलायंस फाइनेंस की बात की जाए तो यहाँ पे प्रबंध निदेशक या एमडी और सीईओ तपन सिंगल है और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ये नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने देखो, सरकार ने अपना पहला व्यापक कोविड-19 ट्रैकिंग एप्लीकेशन, ठीक है, आरोग्य सेतु के नाम से पर, आप लोगों ने देखा होगा कि ये एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपके आईओएस पे बेस है, गूगल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, जो एंड्रॉइड फोन के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। ये ट्रैक करने के लिए होता है कि आप किसी 6 फिट के दायरे में किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के, ठीक है, व्यक्ति के प्रभाव में आए हैं या नहीं आए हैं। तो 2 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला व्यापक कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन प्रक्षेपण किया है, जिसका नाम एंड्रॉइड और आईओएस के लिए आरोग्य सेतु है। तो एंड्रॉइड और आईओएस, ठीक है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है, इसके लिए आपका एप्लीकेशन डेवलप की गई है, ठीक है। इस एप्लीकेशन का उपयोगकर्ता को उपन्यास कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों से जोड़ने के लिए है, ठीक है। एप्लीकेशन स्मार्टफोन के अंदर डेटा और ब्लूटूथ के माध्यम से उपयोगकर्ता को सूचित करता है कि क्या वह 6 फिट के दायरे में कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं क्या। जैसे आप मार्ग आप जैसे ट्रैकिंग एप्लीकेशन है जो अपने किसी दायरे में आने वाले व्यक्ति की जानकारी देती है जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, ठीक है। यह जो एप्लीकेशन है आपकी 11 भाषाओं में उपलब्ध है, मुख्य रूप से अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती सहित 11 भाषाएं हैं, ठीक है। एप्लीकेशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की साझेदारी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित अन्य कोविड-19 ट्रैकिंग एप्लीकेशन माई गांव एप्लीकेशन और कोरोना कवच से अलग है। अभी हमने कोरोना कवच के बारे में डिस्कस किया था, ये भी एक ट्रैकिंग एप्लीकेशन थी, लेकिन इनसे एप्लीकेशन से अलग है। तो मेन आज एंड्रॉइड और आईओएस पे बेस्ड जो इस एप्लीकेशन को मेनली यूज किया जा रहा है वो आरोग्य सेतु है। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बारे में मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके केंद्रीय मंत्री अभी रवि शंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो एक खेल से संबंधित बिंदु है आपका, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल अभी हमने ओलंपिक की बात की थी और अन्य जैसे आईपीएल आपका होने वाला था, तो कोरोना वायरस की वजह से आपके मोस्टली जो गेम्स हैं वो या तो कैंसिल कर दिए गए हैं या आगे के लिए स्थगित की गए। तो इसी क्रम में टेनिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका, ठीक है, एक टेनिस टूर्नामेंट जो कोविड-19 के कारण आपके सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार रद्द हुआ है, ठीक है। पहली बार ये जो रद्द हुआ था वो जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके दौरान हुआ था और उसके बाद में ये, तो टेनिस संबंधित एक बहुत ही पुराना टूर्नामेंट है। 1 अप्रैल 2020 को विम्बलडन, ठीक है, आयोजकों ने कोरोना वायरस कोविड-19 के खतरों के कारण, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार, ठीक है, इस टूर्नामेंट को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। और टूर्नामेंट 29 जून 2020 से 13 जुलाई के बीच में निर्धारित किया गया था और टूर्नामेंट का अगला संस्करण अब 28 जून से लेकर 11 जुलाई 2021 में होगा, ठीक
प्रसंस्करण अगले साल होगा, ठीक है। यहाँ पर इस वाले पार्ट को विम्बलडन या द चैंपियनशिप दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, और ये टेनिस टूर्नामेंट जो होता है ये चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक होता है। तीन अन्य ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन कौन से हैं? एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, एक फ्रेंच ओपन है, और एक यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस ओपन है। 1877 1877 से लंदन के विम्बलडन में ऑल इंडिया क्लब में आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट घास पर खेला जाने वाला एकमात्र प्रमुख खेल है, ठीक है, जिसे व्यापक रूप से क्लासिक टेनिस कोर्ट माना जाता है। ठीक है, ये जो स्पर्धा है वो अलग अलग रूप में होती है, जिसमें पुरुष एकल और युगल टूर्नामेंट, महिला एकल और युगल, और मिक्स आपके डबल्स का टूर्नामेंट होता है। तो स्पोर्ट्स से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला दिगी पॉइंट है विश्व आपका आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2020, जो 2 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कहा जाता है इसे, ठीक है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ताकि आत्म केंद्रित और इससे पीड़ित लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, ठीक है। वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम है, ठीक है, 2020 के लिए थीम है वयस्कता में संक्रमण, ठीक है। विषय वयस्कता में संक्रमण से संबंधित चिंता के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है, ठीक है। आत्म केंद्रित के बारे में याद रखिए क्या होता है ये, ठीक है। आत्म केंद्रित एक जटिल न्यूरो मतलब ब्रेन से संबंधित विकास विकार है, जिसमें व्यक्ति प्रभावित होता है, ठीक है, जो संचार, बातचीत और कल्पना में समस्याओं का सामना करता है। मतलब बातचीत करने से संबंधित, संचार करते समय, या कोई चीज इमेजिनेशन में वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ पर या मेडिकल पैरालिसिस में इसे आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार SSD के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह शुरुआती बचपन की अवधि में दिखाई देता आमतौर पर। यह आमतौर पर 2 से 3 साल की उम्र के दौरान होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला एक आपके यहाँ पर स्टेट से संबंधित मुद्दा है कि ओडिशा सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से लॉकडाउन के दौरान बच्चों को शामिल करने के लिए मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है। लॉकडाउन के दौरान अलग अलग तरह की गतिविधियां, जिससे बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखा जाए, ठीक है। हम घर बैठे बैठे परेशान हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दूरदर्शन पे रामायण सुबह शाम, महाभारत भी है, ताकि आप लोगों का मनोरंजन भी हो सके, आप घर घर पर इस कोरोना वायरस की महामारी से लड़ सके। तो यहाँ पर इसी दिशा में एक ओडिशा सरकार ने, ठीक है, ओडिशा सरकार के जिनके मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक है, ठीक है, उन्होंने एक नया सुझाव दिया, जिसे बच्चों में क्रिएटिविटी भी बढ़ सके और वो इस लॉकडाउन के दौरान परेशान ना हो। तो यहाँ पे 2 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस के कारण 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान बच्चों की कुछ रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखने के लिए, ठीक है, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से उड़ीसा राज्य सरकार ने मो प्रतिभा मेरी प्रतिभा नामक एक रचनात्मक कौशल प्रतियोगिता कार्यक्रम शुरू किया है। यह एक प्रकार का ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के दौरान बच्चे ड्राइंग, पेंटिंग या पोस्टर या नारे लिखने या लघु कथा जो 500 शब्दों के भीतर, और ठीक है, और कविता जैसी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। भाग लेने वाले बच्चों की उम्र 5 से लेकर 18 वर्ष है, ठीक है। 5 से 18 साल के बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। उन्हें, ठीक है, 2 थीम के तहत कार्य करना है। पहली थीम क्या है, लॉकडाउन के दौरान घर पर रहना, और दूसरी जो थीम है, एक युवा नागरिक के रूप में मेरी जिम्मेदारी COVID-19 के दौरान। तो ये 2 मेन थीम रखी गई है, जिस पर बच्चे अपनी कविताएं लिख सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, स्लोगन्स लिख सकते हैं, लघु कथा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी पोस्ट बना सकते हैं,
और इसके आधार पर इन्हें प्रमाण पत्र और विभिन्न प्रकार के इनाम भी दिए जाएंगे यूनिसेफ की सहायता से। यहाँ पर उड़ीसा के बारे में अगर हम बात करें तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल है। यूनिसेफ की बात करें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के बारे में तो इसका मुख्यालय यहाँ पे न्यूयॉर्क में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इनके कार्यकारी निदेशक की बात करें हेनरिटा H4 आपके निदेशक हैं। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये स्टेट से संबंधित एक न्यूज है। आइए हम नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नहीं, अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है एशियन यूथ गेम्स से संबंधित है। 20 से 28 नवंबर 2021 तक चीन में होने वाले एशियाई युवा खेल की बात हो रही है। तो 1 अप्रैल 2020 में ओलंपिक परिषद ने एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड आपके संस्करण की बात की जा रही है जो कि 20 से 28 नवंबर 2021, 20 से 28 नवंबर 2021 तक दक्षिणी तट चीन के तटीय क्षेत्र सांताहू, जगह का नाम याद रखिए, आयोजित किया जाएगा। एशियाई युवा खेलों में तीसरे संस्करण में टोटल 18 खेल को शामिल किया गया है, जिसमें एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स एथलेटिक्स गेम है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, ड्रैगन बॉट रे, यहाँ पे बॉक्सिंग है, फुटबॉल, जिमनास्टिक, गोल्फ, हैंडबॉल, हिप हॉप, नृत्य, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग, रग्बी, सर्फिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वेट सर्फिंग और वो ऐसे गेम आप हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में OCA के महानिदेशक, तो OCA के महानिदेशक कौन है? हुसैन अल मुस्लिम ने उल्लेख किया है कि कार्यक्रम का स्थान और तारीखें OCA द्वारा, ठीक है, सांताओ तृतीय एशियाई युवा खेल आयोजन समिति के साथ मिलकर तय की गई है। तो याद रखना कि एशियन यूथ गेम्स 2021 कहाँ होने वाले हैं और कब होने वाले हैं, ये याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पर COVID-19 अस्पताल में भर्ती उपचार को कवर करने के लिए सभी मानक स्वास्थ्य बीमा नीति या जिनमें आरोग्य संजीवनी नाम से पॉलिसी, ठीक है, एक नई पॉलिसी की बात की जा रही है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के नाम से, जिसे IRDAI ने डिफाइन किया है। तो COVID-19 सकारात्मक मामलों के लिए वित्तीय राहत उपाय के रूप में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे IRDA के नाम से जाना जाता है, ने मानक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद आरोग्य संजीवनी, ठीक है, यहाँ पर एक आपका मानक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद आरोग्य संजीवनी के तहत COVID-19 के अस्पताल में भर्ती उपचार की लागत को अनिवार्य बना दिया गया है। ठीक है, IRDA ने जनवरी 2020 में सभी स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली आरोग्य संजीवनी नीति नामक एक मानक उत्पाद की पेश करने का आदेश दिया है। यहाँ पर ये जो नीति की बात, यह नीति 1 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच का कवरेज प्रदान करती है। इस नीति के लिए न्यूनतम जो आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष है। ठीक है, हमें याद रखना, IRDA के बारे में याद रख सकते हैं, इसकी जो स्थापना हुई है 1990 में आपके स्वायत्त निकाय और 2000 में वैधानिक निकाय में हुई है। ठीक है, मुख्यालय की जब बात की जाए तो इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है और अध्यक्ष इसकी बात की जाए तो सुभाष चंद्र खूंटिया इसके अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नहीं, अभी आप लोगों ने देखा होगा COVID-19 की महामारी से लड़ने के लिए हमें बहुत सारे मानव बल की आवश्यकता है। आप लोगों को कितना भी समझा दिया जाए लेकिन आप घर पे नहीं रुकते हैं, साथ में अगर बात करें आप घर पे रुक भी रहे तो आपको जो सेवाएं उपलब्ध करानी है तो हमें मानव बल की आवश्यकता होती है। इस क्रम में अगर बात करें, आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर और नर्सेस के अलावा सरकारी कर्मचारी और इसके अलावा पुलिस विभाग भी अलग अलग स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इसी दौड़ के अंतर्गत आपके एनसीसी, एनसीसी की बात कर रहे हैं, आपका नेशनल कैडेट कोर जो है, ठीक है, उन लोगों को भी शामिल करने की योजना की गई है। 2 अप्रैल 2020 को नेशनल कैडेट कोर ने अपने स्वयंसेवी कैडेटों को, ठीक है, व्यायाम एनसीसी, ठीक है, योगदान के तहत COVID-19 से लड़ने के लिए असैनिक अधिकारियों की सहायता करने की पेशकश की है कि
इसमें अपने कैरिटो के अस्थायी रोजगार के लिए राहत प्रयासों में शामिल विभिन्न संगठनों के संचालन को बढ़ाने और महामारी से लड़ने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जब जब इन लोगों की जरूरत होती है इनको कॉल किया जाता है, जो विश्व स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय हर स्तर पर कार्य करने में सक्षम होते हैं। एनसीसी कैडेटों का मुख्य जो कार्य होता है हेल्पलाइन में कॉल सेंटर के रूप में, राहत सामग्री के रूप में दवाएं प्रदान करना, भोजन, आवश्यक वस्तुओं का वितरण, सामुदायिक सहायता, डेटा प्रबंधन, ठीक है, जो लाइन बनवाना, और ये सभी यातायात प्रबंधन से संबंधित होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर ये इस वाले पार्ट में जो पिछले वीक, ठीक है, जो आपका अप्रैल, आपके जो मार्च लास्ट वीक और अप्रैल स्टार्टिंग की बात की जा रही है, तो उस वीक में कुछ मुद्दे थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इन मुद्दों के बारे में आप लोगों के आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर खेल से संबंधित चर्चित व्यक्ति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैंकिंग एंड सर्विसेज, इन संबंधित सभी भागों के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, वीकली हम कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों के बारे में डिस्कस किया जाए और डिटेल इन सभी के बारे में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इनका संकलन विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर, वेबसाइट, ठीक है, यूट्यूब या फिर अलग अलग भाग से हमने इसका संकलन किया है। अगर कहीं किसी पार्ट में अगर आपको त्रुटि लगती है या फिर कोई भी आपको डाउट आती है, तो आप अपने डाउट आप 9462224499 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आप इन्हें प्राप्त भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के और टेलीग्राम चैनल द्वारा। हमारे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पाठशाला, यहाँ पे पाठशाला क्लासेस जयपुर, पाठशाला क्लासेस जयपुर के नाम से सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय, जो आने वाला जो बुधवार है 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल से हम पटवार के लिए विशेष प्रकार की क्लासेस का आयोजन करने वाले हैं, जो मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जिसमें गणित, कंप्यूटर, राजस्थान का भूगोल, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी विषयों की क्लासेस होगी। ये सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इनका कोई चार्ज नहीं होगा, जिसके लिए आप अपने दोस्तों के मध्य ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि आप लोग बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, हो सकता है कोरोना का संक्रमण आप लोगों को पढ़ाई पढ़ाई नहीं करने दे रहा है या आपके दिमाग में आ गया है। देखिए, समय खराब मत करिए, नहीं जो पढ़ा हुआ है वो सब भूल जाएंगे, करंट अफेयर्स भी आप तैयार करिए, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसा 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 अवेलेबिलिटी होगा, ठीक, क्योंकि आप सभी को पता है कि टीचर्स का बाहर निकलना बहुत मुश्किल है अभी। ठीक है, हम लोग कोचिंग में ही स्टे करके आप सभी लोगों के लिए ये सभी वीडियोस का उपलब्ध करवा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि हम भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, इस कार्यक्रम की कहानी आज यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और नए मुद्दों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही।